नमस्कार, आज हम बात करेंगे पेनगैस्ट्राइटिस के उपचार के विषय में। पेनगैस्ट्राइटिस पार्ट वन में हमने पेनगैस्ट्राइटिस क्या होता है, पेनगैस्ट्राइटिस में पूरे के पूरे आमाशय में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसकी वजह से पेट में अफारा, भूख नहीं लगना, लगातार उसकी वजह से वजन का कम होना, कमजोरी का लगातार बढ़ते जाना, पेट में फुलावट, पेट के फुलावट के साथ साथ पेट में गैस के भरे रहना और उसकी वजह से आपके शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से भी कई सारी परेशानियां आना चालू हो जाती हैं, जिसमें डिप्रेशन भी है, एंग्जाइटी भी बनी रहती है, मानसिक स्थिरता जो है वो धीरे धीरे करके खराब होना चालू हो जाती है। ये हमने सारी चीजें पार्ट वन पेनगैस्ट्राइटिस में समझी। अब पेनगैस्ट्राइटिस पार्ट टू में पेनगैस्ट्राइटिस को ठीक कैसे किया जा सकता है इसके विषय में हम पूरी जानकारी हासिल करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि पेनगैस्ट्राइटिस को आप पूरे तरीके से योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आहार चिकित्सा, क्या क्या चीजें आपको पेनगैस्ट्राइटिस के लिए जरूर करनी है, कौन सी चीजों को पेनगैस्ट्राइटिस के केस में बिल्कुल छोड़ के रखना है, ये सारी बातें आप अच्छे तरीके से समझ लें। तो सबसे पहले पेनगैस्ट्राइटिस का इलाज जो है इसकी जानकारी के लिए हम एक चार्ट बना लेते हैं। पेनगैस्ट्राइटिस का इलाज, अब इस इलाज में आपको सबसे पहला जो काम है वो करना है शुद्धि, शरीर की शुद्धि करेंगे। दूसरे नंबर पर सुबह क्या क्या करना है, सुबह का रूटीन, तो मॉर्निंग रूटीन बोला जाता है इसको। तीसरे नंबर पर हम जानेंगे कि इसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा में क्या क्या उपचार है, और चौथे नंबर पर हम देखेंगे कि पेनगैस्ट्राइटिस के लिए आहार चिकित्सा क्या क्या है, और उसके बाद फिर अब हम देखेंगे योग चिकित्सा या फिर व्यायाम पेनगैस्ट्राइटिस में क्या क्या किए जाएंगे, और उसके बाद फिर आपको परहेज में क्या क्या रखना है, परहेज में क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू, और क्या आपको करना है, व्हाट टू डू। ये जो सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को हम एक एक करके अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पेनगैस्ट्राइटिस के केस में शुद्धि आवश्यक है। शुद्धि तो बीमारी कैसी भी हो, हर बीमारी में आपको शरीर की शुद्धि पर सबसे पहला फोकस करना है, और शुद्धि के लिए कुछ चीजें हैं। शुद्धि के लिए सबसे पहला है आप अपनी आंतों की शुद्धि करें, आंतों की सफाई। आंतों की सफाई के लिए क्या क्या करना है, दूसरा आंतों की सफाई के साथ में खून की सफाई, आंतों की सफाई हो जाए उसके बाद अपने खून की सफाई करनी है, खून की सफाई रखनी है फिर, ठीक है। तो ये तो शुद्धि में आ जाएगा। दूसरा है मॉर्निंग रूटीन, सवेरे का रूटीन क्या क्या है। तो सवेरे कुछ चीजें हैं जिनका आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, जैसे सवेरे जल्दी जागना, आप जल्दी जागे, जागते ही उषापान, उषापान बहुत जरूरी प्रक्रिया है, उषापान करें। उषापान में कम से कम 3 से 4 ग्लास सादा पानी एक बार में एक जगह बैठ करके बड़े बड़े घूंट पीना है। उषापान करने के बाद 10 मिनट रुकना है, फिर मोशन जाएंगे, मोशन जाने के बाद मंजन करेंगे, मंजन करने के बाद ऑयल पुलिंग, ये सवेरे का रूटीन है। ऑयल पुलिंग के बाद गरारे, गरारे के बाद नश्य, इतना ये सवेरे के रूटीन में आएगा मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग रूटीन करने के बाद अब हम देखेंगे कि आपकी प्राकृतिक चिकित्सा, ये तो सवेरे सवेरे इतना करके फ्री होना है, इतना करने के बाद हम व्यायाम पर आते हैं। सवेरे सवेरे नश्य करने के बाद व्यायाम करते हैं, व्यायाम हम आगे देखेंगे कि व्यायाम में किस तरीके से आपका सवेरे का रूटीन रहेगा। प्राकृतिक चिकित्सा, अगर हम पेनगैस्ट्राइटिस की चिकित्सा करने का मन बना रहे हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा में कौन सी चिकित्सा पद्धतियां हैं। पहला तो है मिट्टी की पट्टी, दूसरा है ठंडा कटी स्नान, तीसरा है ठंडे पानी का एनिमा, और फिर है ठंडी पट्टी,
तो ये जो है ये प्राकृतिक चिकित्सा में इतने उपचारों का उपयोग आप घर में बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठंडा कटी स्नान, अगर मान लो कटी स्नान का टब आपके पास नहीं है तो आप कोई भी एक प्लास्टिक का टब लेकर के उसमें ठंडा पानी, सादा पानी भर के उसमें बैठ सकते हैं। मिट्टी की पट्टी बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, किस तरीके से मिट्टी की पट्टी बनाई जाएगी, कैसे आपको पेट पर मिट्टी की पट्टी लगानी है, ये पूरी चीजें आप उस ट्रीट पूरा का पूरा हमने एक टॉपिक वीडियो का बना रखा है मिट्टी की पट्टी बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, सर्च करेंगे पूरा समझ लेंगे। ठंडे पानी का एनिमा ये आप लगा सकते हैं, ये आपकी पूरी की पूरी आंतों को, पूरे पाचन तंत्र को ठंडा करके, ठंडक पहुंचा के शांत करने का काम करेगा, शरीर की गर्मी को कम करने का काम करेगा। एंटी इंफ्लेमेटरी माना जाता है ये ट्रीटमेंट, और आंतों में से गर्मी को जब कम करेगा तो पेट में गर्मी, पेट में जलन की जो समस्या है इसमें आपको बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाएगा। और ठंडे पानी की गीली पट्टियां, जो सूती कपड़ा होता है उसको बर्फ के ठंडे पानी में या मटके के ठंडे पानी में गीला करना है, और उसके बाद उस गीले कपड़े को आपको पेट पर दिन में दो बार रखना है। ये इलाज अगर आप आसानी से कर सकते हैं घर में, तो इससे आपके जो पेन गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, पूरे के पूरे आमाशय में जो इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है, ये धीरे धीरे करके गिरना चालू हो जाएगी, कम होना चालू हो जाएगी। इसके बाद अब हम देखेंगे पूरे दिन में आपकी आहार चिकित्सा कैसी रहनी चाहिए पेन गैस्ट्राइटिस के केस में। तो पेन गैस्ट्राइटिस में आहार चिकित्सा में सबसे ज्यादा ध्यान आपको रखना है कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी मिर्च मसाले का उपयोग ज्यादा नहीं कर सकते। आपको कढ़ाई में तल करके आई हुई चीजों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैदे से संबंधित जो भी चीजें होती हैं उनका उपयोग आपको पेन गैस्ट्राइटिस के केस में नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या खा सकते हैं आप पेन गैस्ट्राइटिस में, या फिर आमाशय में जो सूजन आ जाती है, पेट फूलता है जिसमें, ऐसे केस में खाने में क्या खाया जा सकता है? आप उबली हुई सब्जियां खा सकते हैं, आप फलों का सलाद ज्यादा खा सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं उबली हुई सब्जियों का जो सलाद है, उबला हुआ सलाद जो है वो खाया जा सकता है, इसका आप उपयोग ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। कोशिश करें आप मुनक्के और अंजीर का उपयोग कर सकते हैं, ये आपकी कमजोरी को दूर करके आपके पेनगैस्ट्राइटिस के केस में लगातार जो बढ़ती हुई कमजोरियां हैं, लगातार जो घटती हुई शरीर की शक्तियां हैं, उनमें आपको आराम मिलना चालू हो जाएगा। अब इसके साथ साथ आपको सौंफ और मिश्री का पानी, आप सफेद पेठे का जूस ले सकते हैं, नारियल का पानी ले सकते हैं, जौ का पानी उपयोग में ले सकते हैं। ये ठंडी चीजें हैं, ये आपके पेट को ठंडा करने का काम करेंगी, तो इनका उपयोग आप करें। सब्जी में मिर्च मसाले, चिकनाई जितनी कम होगी उतना अच्छा है, और कोशिश करिए नाश्ता जो है जिसको अल्पाहार कहा जाता है वो 9 बजे, लंच जो है वो 12 बजे, और डिनर 7 बजे के पहले पहले हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद योग चिकित्सा या व्यायाम चिकित्सा में आप सवेरे 1 घंटा और शाम को कम से कम 30 मिनट व्यायाम या योग करने का अभ्यास करें। इसमें आप अगर व्यायाम करते हैं तो सवेरे सवेरे 1 घंटे व्यायाम में 40 मिनट कम से कम टहल लिया जाए। 40 मिनट जो टहलेंगे, उस टहलते समय आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। आप टहलते समय अकेले टहलें, कोशिश करें कि आप अगर किसी के साथ टहल रहे हैं तो बात करते हुए ना टहलें, और संभव अगर हो जाए तो आप मुंह में पानी भर के टहलें, ताकि ना तो आप बोल पाएंगे और ना आप चलते समय मुंह से सांस भर पाएंगे। तो ये 40 मिनट लगातार चलना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा। ये 40 मिनट लगातार चलना आपके लिए लगातार प्राणायाम का काम भी करेगा। जब 40 मिनट चलना पूरा हो जाए उसके बाद फिर आपको प्राणायाम करना है एक जगह बैठ करके। प्राणायाम में लगभग 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम, लगभग डीप ब्रीदिंग 10 मिनट कर लेनी है, और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास लगभग 5 से 7 मिनट का हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये योग चिकित्सा सवेरे की। शाम को भोजन करने के पहले अगर संभव हो जाए तो 20 मिनट टहलना और लगभग 10 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग, ताकि पूरे शरीर में खून की चाल अच्छी हो जाए, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिवेशन हो जाए। उसके
तुरंत बाद हाथ मुंह धोकर के आप भोजन कर लें और भोजन करने के बाद थोड़ी देर वज्रासन में बैठ करके लगभग 10-15 मिनट धीमी गति से आप चहलकदमी कर सकते हैं। उसको टहलना नहीं बोला जाएगा, उसको धीमी गति से टहलना बोला जाएगा। तो ये योग और व्यायाम चिकित्सा हो जाती है। अब बात आती है कि कुछ चीजों का परहेज। परहेज का मतलब होता है इन चीजों को आपको नहीं करना है। तो नहीं करने में सबसे पहले क्या है, मैदे का उपयोग बिल्कुल बंद कर दिया जाए। दूसरे नंबर पर मिर्च मसालों का उपयोग बिल्कुल बंद कर दिया जाए। डब्बा बंद चीजें जो बाजार में मिलती हैं उनको बिल्कुल भी उपयोग में ना लिया जाए। बिस्किट्स वगैरह जो मैदे के बन के आते हैं बाहर, उनका उपयोग ना किया जाए। और कोशिश करें लंबे समय तक खाली पेट भी आप ना रहें। अगर खाली पेट रहेंगे तो वो खाली पेट रहना भी पेनगैस्ट्राइटिस के केस में आपके लिए नुकसानदायक होगा। अब आपको ध्यान रखना है कि खाना आप कभी भी जल्दी में ना खाएं, कभी भी आप डिहाइड्रेशन ना होने दें, पानी की कमी ना होने दें। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपकी नहीं होनी चाहिए। अब आप देखें कि व्हाट टू डू, मस्ट डूज जो हैं कि आपको कुछ चीजें जरूर करनी चाहिए। अब जरूर करने वाली चीजों में खाने को पिए, पानी को खाएं। खाने को इतना चबा के खाना है कि बिल्कुल पानी पानी हो जाए मुंह में, मुंह में इतना चबाया जाए कि दांतों से खाने को पीस पीस करके पेस्ट बना दो और वो पेस्ट लार के साथ मिलकर के बिल्कुल लिक्विड के स्वरूप में आपके बोलस के फॉर्म में वो आमाशय में जब पहुंचेगा तब फिर उसका पाचन अच्छे से होगा। आमाशय को एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे तो फिर पाचन की क्षमता भी धीरे धीरे करके ठीक होगी और आमाशय में जो इन्फ्लेमेटरी साइंस आ रहे थे, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आ रहे थे, वो धीरे धीरे करके ठीक होना चालू हो जाएंगे। एक चीज तो ये, खाने को पिए और पानी को बहुत धीमी गति से चाय की तरह सिप कर करके पीना है। नियमित व्यायाम जरूर करना है, इसका ध्यान रखा जाए। आपको नाश्ता, जिसको अल्पाहार कहा जाता है, उसको स्किप नहीं करना है। सामान्य तौर पर पेनगैस्ट्राइटिस के केस में आपको भूख नहीं लगती है और भूख नहीं लगती है तो आप खाना नहीं खा रहे हैं या नाश्ता नहीं कर रहे हैं या फिर डिनर स्किप कर रहे हैं, तो आप स्किप मत करिए। बेशक जरा सा खाइए, अगर आप पेट को खाली छोड़ेंगे तो अभी आपका खाली छोड़ा हुआ पेट थोड़े समय के बाद उस पर एसिड निकल के आएगा और जो आपके इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आपके आमाशय में आए हुए हैं उन पर जब एसिड लगता है तो आपका इन्फ्लेमेशन एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में बदलना चालू हो जाता है। यह आपके लिए बड़ा नुकसानदायक साबित होगा। आपको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। आशा है ये पेनगैस्ट्राइटिस को ट्रीट करने का पूरा वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसा लगे कि ये एक चार्ट है जो आप अगर अच्छे तरीके से लिख करके रख लेते हैं, पेनगैस्ट्राइटिस में इस तरीके से आप अगर फॉलोअप करेंगे डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाएगा पेनगैस्ट्राइटिस के केस में। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।